नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा, स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलते हैं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सरकार ने इस बार 33.61 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने कहा है कि वे अपने टैक्स लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 20% और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 5% का इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 30.54 लाख करोड़ रुपए का कुल टैक्स जुटाया था। इस साल का टैक्स टारगेट पिछले साल से 10% ज्यादा है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए टैक्स अधिकारी ज्यादा सख्ती भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ का ईटीएफ में निवेश घटा। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक ईटीएफ में 27,105 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में ईपीएफओ ने ईटीएफ में 53,081 करोड़ और 2021-22 में 43,568 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश शुरू किया था। 31 मार्च 2022 तक ईपीएफओ ने कुल 18.30 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिसमें से 8.70% ईटीएफ और 91.30% डेट इन्वेस्टमेंट है। देश में जल्द पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले एक साल से ज्यादा समय से स्थिर बनी हुई हैं। 2022 में तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पर 17 रुपये लीटर और डीजल पर 35 रुपये लीटर का नुकसान हुआ था, लेकिन अब कंपनियों को पेट्रोल पर 8 से 10 रुपये लीटर और डीजल पर 3 से 4 रुपये लीटर का मुनाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल मंत्रालय कच्चे तेल और खुदरा कीमत को लेकर तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। सरकार को उम्मीद है कि प्याज की कीमत जल्द नीचे आएगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि जनवरी तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57 रुपये किलोग्राम से घटकर 40 रुपये किलोग्राम के नीचे आ जाएंगी। प्याज की खुदरा कीमत 80 रुपये किलो के पार करने के बाद पिछले हफ्ते की सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रतिबंध से घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ेगी, जिसका असर इसकी कीमतों पर भी दिखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। आरबीआई ने जनता को प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋण माफी से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों से आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि संस्थाएं भ्रामक विज्ञापन के जरिए ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क वसूल रही हैं। ये संस्थाएं गलत बयानबाजी भी कर रही हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि बैंक का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। ऐसी गतिविधियां बैंकों की स्थिरता और जमाकर्ताओं के हित को कमजोर करती हैं। घरों की कीमतें बढ़ने और कर्ज महंगा होने से पिछले 2 साल में देश के 7 प्रमुख शहरों में लोगों की घर खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी JLL इंडिया ने उम्मीद जताई है कि नीतिगत रेपो दर में अगले साल कटौती होने से घर खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी। इससे घरों की बिक्री को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि और होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद बीते 2 सालों में घरों की बिक्री बढ़ी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। कोटक बैंक ने 3 साल और उससे ज्यादा लेकिन 4 साल से कम की एफडी पर ब्याज की दर 0.5% बढ़ाई है। 4 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम की एफडी पर ब्याज दरों में 0.75% का इजाफा किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की एफडी पर ब्याज दरों में ये बदलाव 11 दिसंबर से लागू हो गया है। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर ग्राहकों को 2.75% से लेकर 6.20% तक ब्याज दे रहा है। दिल्ली सरकार बस यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए DTC बस का टिकट बुक कर सकेंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। DTC और क्लस्टर बसों के लिए डिजिटल टिकट की बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ समय पहले ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेट्रो टिकट बुक कराने की सुविधा दी थी। अब ऐसी ही सुविधा बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी मिलेगी। टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत जनवरी से 3% तक बढ़ाने की घोषणा की है। BMW ने भी 1 जनवरी से अपने सभी मॉडल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने की बात कही है। सभी ऑटो कंपनियां उत्पादन लागत बढ़ने और कच्चा माल महंगा होने के कारण वाहनों के दाम बढ़ा रही हैं। ऐसे में नए साल में नया वाहन खरीदना जेब पर भारी पड़ेगा।
दिल्ली हवाई अड्डे पर ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे का इस्तेमाल करने से एयरलाइंस कंपनियों को हर साल 150 से 180 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगर 10 से 15% विमान भी इस टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हो सकती है। हवाई पट्टी पर जाने में लगने वाले समय और ईंधन खपत में कमी आने से एयरलाइंस को बचत होगी, क्योंकि ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे से उत्तर में उतरने और दक्षिण में आने वाले विमान के लिए औसतन 7 से 8 मिनट का समय बचता है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहां पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरें। वहीं खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं आप तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार। We'll be right back.